Let's do question number 3 of exercise 13.7, that is surface area and volume. Question number 3 is, the height of a cone is 15 cm. Hame cone ki height 15 cm de rakhi hai. If its volume is 1570 cm cube, agar volume uska 1570 cm cube hai, to hame radius of its base nikalna hai aur pi ki value kitni leni hai? 3.14 leti hai. To ab hum apna कोन बना लिया है, अब जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं. हमारी हाइट है 15 सेंटीमीटर और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो यहां लिख रही हूं हाइट ऑफ कोन हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर और वॉल्यूम ऑफ कोन दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ कोन दे रखा है हमें 1570 सेंटीमीटर क्यूब, राइट. रेडियस निकालना है तो रेडियस दे नहीं रखा, तो इसलिए लेट कर लेते हैं. लेट द रेडियस ऑफ कोन बी आर सेंटीमीटर है, राइट. ये आ गया. अब हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम कोई भी फॉर्मूले में अगर दो चीज गिवन है तो तीसरी चीज हम इजिली निकाल सकते हैं. तो मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है 1.3 पाई आर स्क्वायर एच. अब वॉल्यूम दे रखा है 1570, 1/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू हमें कह रहा था 3.14 लेनी है, आर हमें दिया हुआ नहीं है और एच हमें 15, तो आर दिया हुआ नहीं है इसलिए स्क्वायर लिख दिया, राइट. एज इट इज, अब आर स्क्वायर अपनी जगह रहा, देखिए इक्वल टू 1570 अपनी जगह रहा, 3 तो मल्टीप्लाई में हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर में था, और 3.14 और 15 डिनोमिनेटर में आ गया क्योंकि न्यूमरेटर में था, राइट. अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, जो कटता है काट देते हैं. देखिए अब ये पॉइंट हटाया, दो जीरो लग गई ऊपर, ये आ गया. अब देखिए ये 7 से जाता है कि नहीं जाता है, नहीं जाता है, 5 से चला जाएगा. तो देखिए 3 1s are 3, 3 5s are 15, 5 1s are 5, 5 3s are 15, 5 1s are 5, 6 7, 5 4s are 20. अब 3 1 4, 3 1 4 से कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 100. तो आर कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 100, और वी कैन से दैट 10 सेंटीमीटर आ गया. तो रेडियस निकालना था सिर्फ हमें, तो रेडियस ऑफ कोन आ गया, कोन के बेस का रेडियस आ गया 10 सेंटीमीटर इज द आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4th ऑफ एक्सरसाइज 13.7, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. क्वेश्चन नंबर 4th इज, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब. वो कह रहा है अगर एक राइट सर्कुलर कोन है, देखिए राइट सर्कुलर कोन बना लेती हूँ, ये राइट सर्कुलर कोन है, इसकी हाइट हमारी 9 सेंटीमीटर है और इसका वॉल्यूम जो है, अंदर का जो वॉल्यूम है वो 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है. हमें डायमीटर निकालना है बेस का, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की, देखिए कौन सी, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ निकालनी है. तो डायमीटर हमें गिवन नहीं है, तो लेट कर लेते हैं. लेट द डायमीटर ऑफ बेस बी, बेस कितना है डी सेंटीमीटर है, और रेडियस भी नहीं दिया हुआ है क्योंकि डायमीटर नहीं पता है, तो रेडियस भी नहीं पता चल रहा, तो रेडियस ऑफ बेस कितना आ गया, वो भी हमने आर मान लिया, आर सेंटीमीटर. हमें ये अच्छे से पता है, अगर हमें रेडियस पता चल गया तो हम डायमीटर निकाल सकते हैं, तो इसलिए दोनों को लेट कर लिया. अब हाइट कितनी दे रखी है, हाइट ऑफ कोन दे रखी है हमें 9 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ कोन दे रखा है हमें 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, राइट. तो अब हम, हमें पता है, हम वॉल्यूम पता है, हाइट पता है, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन जो कि होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम दे रखा है 48 पाई, क्योंकि यहाँ पे पाई है तो इसलिए मैं इस पाई की वैल्यू नहीं रखूंगी, तो 1/3 पाई एज इट इज लिख लें। आप चाहें तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों जगह पाई की वैल्यूज लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, ईजिली कैंसिल हो जाएगा। अब रेडियस नहीं पता है तो आर स्क्वायर, और एच कितना है 9, राइट। अब आर स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, बाकी सब हम दूसरी साइड पहुँचा देंगे, तो ये आ गया हमारा आर स्क्वायर अपनी जगह रहा 48 पाई यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन पाई और 9 नीचे आ गया, राइट। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 6s are 18, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 16, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 16, जो कितना आ गया 4 का स्क्वायर रूट होता है 16, तो हमारा रेडियस पता चल गया हमें, हेंस रेडियस आ गया, रेडियस ऑफ कोन इज दैट इज हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर क्योंकि हमें क्वेश्चन में डायमीटर निकालना था, तो डायमीटर ऑफ कोन क्या होता है 2r होता है, तो 2 × r की वैल्यू 4 हो गई, तो कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। तो हमारा इस कोन का डायमीटर आ गया 8 सेंटीमीटर इज द आंसर।